जय श्री राम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पशु मंडी यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त नरेंद्र प्रजापत, आज हम आए हैं धुंधड़गा पशु मंडी से लाइव, और 4 दिसंबर 2022 से आप देख रहे हो। अच्छी क्वालिटी की भैंस बताने की कोशिश करेंगे, तो चैनल पर जो भी ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये भैया ओ भैंस खरीदी उन्होंने, तो चलो मंडी में आगे बढ़ते हैं और भैंसों के बारे में जानकारी देते हैं आपको। एक ये भैंस आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो काफ़ी अच्छी भैंस है। भैंस का ऑर्डर देखो आप, काफ़ी ज़ोरदार भैंस के चाल डाल में कोई कमी नहीं है। अभी भैंस का सौदा चल रहा है। अभी एक और ये भैंस है, काफ़ी बड़ी बड़ी थनों की भैंसें इनके पास, मतलब 80-90 हज़ार के बजट के आसपास की ये भैंसें देख रहे हो। देखो उन भैंसों के ग्राहक भी लगे हुए, नीचे ही बच्ची है, नीचे ही बच्ची। अरे अगर तू, मैं कहूँ तेरे को दाढ़ की मजबूत भैंस मना ले, मैं तू भी दाढ़ की वाला सही खांच रहा भैंस को, सही खांच इधर ले नहीं यार भाई, भैंस इधर क्यों लिया, भैंस को मत लिया, लिया वापिस लिया, इधर इधर कहीं ना रखते हैं भैंस को। अरे लिया यार, एक ही भैंस हमको कोशिश करने की बताने की कोशिश करेंगे, और इस भैंस का भी यहाँ पर सौदा चल रहा है। बहू की कसम, बहू की कसम आ रहा नहीं है पारी। और ये लीजिए 7-7 किलो दूध भैंस के तैयार है तेरी यार, भैया क्या कीमत कर रहे हो इसकी, इसकी 6,000 भैंस की कीमत बताइए। और दूध कितना कर दी है भैया, दूध कितना कर देगी? 6 लीटर अभी हाजिर है, 6 लीटर टाइम का 12। और बच्चा क्या इसके नीचे? बच्ची बच्ची कितने रोज की भैया? बच्ची अभी हुई है 13-14 दिन, 13-14 दिन की ना। 85,000 इस भैंस की कीमत बताई जा रही है, और 6 लीटर और 6 लीटर इसके नीचे दूध बताया जा रहा है इस भैंस का, धुंधड़ का पशु मंडी से। दूसरे ब्यात में ये भैंस बताई जा रही है, और इस भैंस का भी सौदा चल रहा था, तो शायद अभी सौदा नहीं हुआ इस भैंस का। 4 दांत है उम्र में, 4 दांत है। ग्राहक कितने बता रहे भैया इसके? ग्राहक इनके बता रहे 65,000। 65,000 आपको कहाँ तक देना है? अपन को 75,000 की देना है। ये कौन से ब्यात में होगी? नागौर जिले की ब्यात। कौन सा पहले? दूसरे ब्यात में इस भैंस को बताया जा रहा है। और नीचे ये बच्ची देख सकते हो आप, काफी बढ़िया भैंस है। और अगर धुंधड़ का पशु थन देखो चाह रही थे समान दूरी के साथ। चलो घुमा ली कोई दिक्कत। ये भी अपनी क्या दोनों? इस भैंस को हम बताने की कोशिश करेंगे आपको क्या कीमत में ये भैंस बिकेगी। देखो भैंस का ऑर्डर काफी बढ़िया, इस भैंस का ऑर्डर देखने को मिला। इस भैंस का भी सौदा चल रहा है, तो सौदा बता देते आपको। कहाँ के भैया?
नागौर का कितनी पैसे लाए थे आज? 10 पैसे लाए। इस भैंस की क्या कीमत कर रहे हो? इसका 70,000 रुपये। 70,000 रुपये? और कौन से ब्यात में होगी? दूसरे ब्यात में। और बच्चा क्या इसके नीचे? बच्चा ये पाड़ा पाड़ा है। कितने रोज का? 7 रोज की जमीन। और दूध कितना करता है? 13 लीटर दोनों टाइम का मिलाकर 13 लीटर इसके नीचे दूध है। और अब भैंस का ऑर्डर देखो, काफी बढ़िया इस भैंस का ऑर्डर देखने को मिला है। कहाँ तक छोड़ दोगे भैंस को? कहाँ तक छोड़ दोगे इसको? फाइनल ये छूटेगी 65,000 तक। किसका? हाँ भाई, नागौर जिला है ना। नागौर जिले की भैंस है। और चार इथन देखो आप, समान दूरी के साथ ये भैंस। कोई भाई लोग कीमत से ना घबराए, ताकि आपको कीमत तो पता ही होगी, काफ़ी बड़ा चढ़ा के भैंसों की कीमत इस मंडी से बताई जाती है। आगे ले एक ये बड़ी भैंस है, आप देख रहे हो धुंधड़ का पशु मंडी में इतनी बड़ी बड़ी भैंसें आती जाती रहती है। काफी बड़ी ये भैंस है धुंधड़ का पशु मंडी में। दूध कितना करेगी भैया? 10 लीटर। नागौर की मंडी है, नागौर की। एक दोनों टाइम को? एक टाइम का। क्या मांग रहे हो इसके? 1,10,000। अच्छा 1,10,000, चलो आगे। 1,10,000 इस भैंस की कीमत बताई जा रही है। और देख ले बोल ला। भैया कौन से ब्यात में? कैसा ब्यात में? दूजियान पार्टी। अच्छा बच्चों के नीचे? अरे ग्याबन है। अच्छा ग्याबन है। 10 रोज कच्ची है यार। 10 रोज कच्ची है ना। नागौर जिला मेड़ता तहसील। और इस भैंस की भी आपको कीमत बताई जा रही, तो फाइनल जो भी होगी वो बैठक पर इस मंडी से मिल जाएगी आपको। अपना बस बंद हो तो भाई लोग, धुंधड़ का पशु मंडी से एक ये भैंस हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 8 किलो दूध की है। 8 किलो दूध। 1,10 कीमत करा मोल। देखो आप, काफी बड़ा और चाल ढाल में देश की कोई कमी नहीं है। ले आइए। क्या कीमत कर रहे हो इसकी भैया? 1,10। 1,10 कर रहे हो। और कौन से ब्यात में होगी ये? दूसरे ब्यात की। बच्चा क्या इसके नीचे? बच्ची है नीचे, 4 रोज। 4 रोज की इसके नीचे 4 रोज की बच्ची बताई जा रही है। और दूध कितना कर देगी? 8 किलो दूध। ऑर्डर देखो आप, चारी थन सम्मान दूरी के साथ। और 8 किलो एक टाइम का यानी दूध बताया जा रहा है ना। ग्राहक लगे इस भैंस के? लग रहा है। अच्छा क्या कीमत बताई? 90,000। और आपके कहाँ तक होगी लास्ट? आपने हमारे को देनी है 95 तक। 95 से कम नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा कितनी भैंसे लाए थे आज आप? 10 भैंसे लाए थे ना। क्या नाम हुआ आपका? हाँ बता रुकलाल भाई। सुखदेव जी। आपके मोबाइल नंबर बोलिए। 93,19,40,14,22। क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखदेव जी, अगर इनसे आप धुंधड़ का पशु मंडी में भैंसे खरीदना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। और काफी अच्छी भैंस लाते हैं यहाँ पर। आज 10 भैंसे लाए थे ना। ये किसकी? ये अपनी है। इसकी क्या कीमत कर रहे हो आप? इसकी कीमत कर रहे हैं 70,000। 70,000 रुपये। और देखो आप थोड़ी सी ये थन देखो आप। दूध कितना करेगी भैया? दूध कर रही है 6 लीटर। 6 लीटर कर रही, दोनों टाइम का मिलाकर 12 लीटर। और इसके नीचे पाड़ा है। पाड़ा कितने रोज का है? इसका पाड़ा है 4 रोज का। 4 रोज का है ना। काफी अच्छी चमड़ी की भैंस और पतली चमड़ी की भैंस देखने को मिली आपको। इसको कहाँ तक छोड़ दोगे आप फाइनल? इसको छोड़ देंगे फाइनल 3,70,000 से कम नहीं देंगे। अच्छा, तो थोड़ी खोल के चलाओगे?
इस बेस को हम आपको चलाने की बताने की कोशिश करते हैं। चला जा नहीं। हाँ जगह नहीं है, थोड़ी जगह का अभाव है। चलो बांध दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपको ये भेज दिख रही होगी पर थोड़े जगह का यहाँ पर समस्या है, इसके कारण इस भेज का भी फिर से कीमत लगाई जा रही है। और ये ग्राहक आई है इस बेस का भी सौदा चल रहा था, काफी लंबी लड़ाई देखने को मिली। और तुम फुलबाग देखोगे 1,35,000 जैसे कि इस बेस को भी चला के दिखाया। अब देखो इस बीच के कुछ थोड़ी थनों में पिछड़ रही है भैंस। अब इसके पीछे ग्राहक लगे हुए थे। कर रहे हो भाई 1,10 कौन सा गांव है आपका? हम यही, आप कहाँ से रहते हो? हम नागौर से। नागौर से कितनी पैसे लाए थे आज? 10 पैसे लाए। क्या कीमत कर रहे हो इसकी? इसके 1,5 कर रहे हो। और कौन से ब्यात में होगी ये भैंस? ये तीसरा ब्यात में। क्या बने क्या? और दूध कितना करेगी ये? 10 किलो करेगी टाइम का दूध। 10 किलो टाइम की दूध। क्या नाम हो आपका? मुल्ला राम लावार। मुल्ला राम जी लावार, 10 पैसे लाए थे। और फाइनल कहाँ तक दे दोगे इसके? ये बराबर की दे देंगे 1,00,000 की। 1,00,000 की ना। ग्राहक लगे इस बेस के? हाँ लग रहे हैं। अच्छा क्या कीमत रखी है इसने ग्राहक ने? ग्राहक लग रहा है 80-82 लग रहा है। अच्छा 80-82 हज़ार रुपये इस बेस की कीमत इस मंडी से लगाई जा रही है। काफ़ी बढ़िया बेस लाती है ये। काफ़ी बड़ी मंडी है इसलिए अभी कुछ थोड़ी जगह का अभाव है, इसलिए भैंस को चलने में कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी भाई लोग है ना कीमत से ना घबरा, क्योंकि व्यापारी अपनी मनचाही पशु का कीमत मांगते। एक एक ज्ञापन भैंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ले आओ ले आओ। थोड़ी जगह का थोड़ा सा अभाव है, समस्या है इसलिए। क्या कीमत कर रहे हो उसकी? 90,000 रुपये। इस बेस की कीमत कर रहे हैं 90,000 रुपये। ज्ञापन है? अच्छा कौन से ब्यात में होगी ये? तीसरे ब्यात में। कितने रोज लेगी जन्ने में? जने भी हो तो 10 रोज की। अच्छा बच्चा नहीं है ना? जनी हुई 10 रोज की जनी हुई। और बच्चा क्या इसके नीचे? बच्ची ये देख सकते हो, शानदार बच्ची है। और थन देख सकते हो आप, अडर की बनावट। दूध कितना करेंगे भैया? देख सकते हो काफी अच्छी हाइट और अच्छी बेस देखने को मिली आपको। और देखो अभी थनों की बनावट आप अच्छी भेज। भैया दूध कितना कर देगी? 6 लीटर 1 टाइम का इसके नीचे दूध बताया जा रहा है। और फाइनल कहाँ तक होगी देने वाली कीमत आप? 85,000। 85,000 की कीमत में ये भेज आपको इस मंडी से मिल जाएगी। अभी दोनों जोड़े में चला के दिखा रहे थे, अभी इन दोनों की कीमत बारे में पूछते हैं। क्या कीमत को भरे दोनों की? वाह दोनों की क्या कीमत कर रहे हो? दो का। हाँ जोड़े में। हाँ जोड़े में एक ही बात। हाँ 1,50,000। 1,50,000 रुपये
और दूध ये कितना दूध करेगी? ये पहलान बत्ती है चार दान, हाँ छः साढ़े छः किलो दूध है। और ये पाँच किलो दूध है। ये कौन से ब्यात में होगी? ये दूजात है। दूजात में ना, ये दोनों भैंसे देख रहे हो आप धुंधल का पशु मंडी, दोनों जोड़े के 1.5 लाख रुपए दोनों की मांग कर रख रहे। और दोनों की अभी कीमत और दूध आपने सुना ही होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। ग्राहक लगे भैया दोनों के? ग्राहक लगे? ग्राहक लग रहा है। अच्छा, क्या कीमत बताया ग्राहक? वो एक तो 70 लगा रहा है, इसका दो कम 70 लगा रहा है। अच्छा, इसका 68 इसका 70 है ना। और फाइनल आपका देने वाला क्या है? देने वाला 75 का भाव। 75 का, दोनों 75? एक 75-75 है। 75-75 है, दोनों 75-75 हज़ार में ये भैंस आपको इस मंडी से मिलेगी। और एक और ये भैंस देख रहे हो आप, काफ़ी अच्छी हाइट और कदकाठी की भैंस देखने को मिली आपको धुंधल का पशु मंडी में। इसकी क्या कीमत करोगे आप? इसकी 90 हज़ार रुपये। 8 किलो दूध है। 8 किलो दूध एक टाइम को? एक टाइम को। तीसरा ब्याज, तीसरे ब्याज में। बच्चा बच्ची नीचे? बच्ची है। बच्ची देख रहे हो आप, थनों की बनावट देखो आप, काफ़ी मोटे मोटे थन है और सम्मान दूरी के साथ चारों थन देख रहे इस भैंस के। और बच्चा देख रहे हो आप, या कहाँ तक छोड़ दोगे आप? ये छोड़ देंगे 85 हज़ार तक। 85 हज़ार तक इस भैंस को इस मंडी से आपको सेल। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम मनोहर है। अच्छा, कितने भैंसे लाते हो हर आप? 8-10 भैंस। आपके मोबाइल नंबर बोलिए। 95-88-01-55-37। क्या नाम है आपका? मनोहर। मनोहर जी, लोहार जी, इनसे अगर आप भैंसे खरीदना चाहते हो तो इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इस भैंस का ऑर्डर देखो आप, चारी थन सम्मान दूरी के साथ, आगे के दो थन छोटे और बड़े के पीछे। काफ़ी बढ़िया बढ़िया भैंसे लाते हैं इस मंडी में धुंधल का हाट में, आप देख ही रहो। तो इस प्रकार की अगर भैंस खरीदना चाहते हो तो धुंधल का पशु मंडी में आते। एक ये भैंस आपको बताते हैं भैया, इस भैंस की कीमत कर रहे हैं 75 हज़ार रुपये। भैया चलाओ ना, आगे चला है, आगे 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 चला। क्या कीमत करो भैया इसकी? कीमत क्या कर रहे हो उसकी? 75 हज़ार रुपये। और दूध कितना कर देगी? दूध 6-6.5 लीटर देगी। अभी तो 10 दिन में भी आएगी, ये कब निकालेगी? हाँ, एक टाइम, एक टाइम का ना बेट की दूसरे ब्यात में ये भैंस है। अच्छा, जन्ने में कितना रोज लेगी? 10 दिन लेगी ना। 10 दिन ये भैंस जन्ने में लेगी। और भैया की कीमत है 75 हज़ार रुपये। कहाँ की भैंस है भैया ये? पाली जिले की। पाली जिले की। कितनी भैंस लाए राजा? राजस्थान। फाइनल कहाँ तक छोड़ दो इसको? फाइनल भैया 70 हज़ार में छोड़ेंगे। 70 हज़ार लागे भाई। ₹70,000 में इस भैंस को यहाँ से छोड़ा जाएगा। चल ठीक। देखो एक अनोखी प्रकार की भैंस है आपको, भूरी भैंस। आगे से इसका सर और सिंग देखो आप, ये बेचते करो आप धुंधल का पशु मंडी से। भैंस की चाल ढाल में कोई कमी नहीं है छोटो भाऊजी। तो इस भैंस का भी सौदा चल रहा था अपनी भैया। हाँ। क्या कीमत कर रहे हो उसकी? इसकी 85 हज़ार। और कौन से ब्यात में होगी ये? तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में ले भैया।
दूध वाली भैंस क्या दूध वाली छत्तर भी सभी। तीसरे ब्यास में इस भैंस को बताया जा रहा है और दूध कितना करेगी भैया? दूध कितना करेगी? दूध 7-7 लीटर 14 लीटर दूध देता है। अच्छा 14 लीटर भैंस के नीचे दूध बताया जा रहा है। और कौन से ब्यास में होगी भैया? तीसरे ब्यास में। तीसरे ब्यास में बच्चा है नीचे पाड़ी। आप देख रहे हो ये पाड़ी कितनी रोज की होगी? ये 12 रोज की। इसके नीचे ये भैंस पाड़ी है और उस भैंस के ग्राहक लगे भैया? ग्राहक लगे उस भैंस के? क्या कीमत बताई जा रही है उस भैंस की ग्राहक द्वारा? 65,000। और आपका देने वाला क्या होगा? 75,000। भैया की देने वाली कीमत होगी 75,000 रुपये और ग्राहक द्वारा 62,500 रुपये इस भैंस की कीमत बताई जा रही है। कितनी भैंसें लाए थे भैया? मैं 7। अच्छा 7 भैंसें लाए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम। राहुल जी खरवा अजमेर जिला है ना। और ये देख सकते हो इनके पास से अभी 7 ही भैंसें अभी उपलब्ध है। भैया एक भैंस भी नहीं बिकी क्या आज? अच्छा बेच दी। ये बेच दी क्या? इसकी क्या कीमत है? 90,000। अच्छा 88,000 की कीमत में ये भैंस बिकी है। और ये कौन से ब्यात में होगी भैया? तीसरे ब्यात में। देखो 88,000 में इस भैंस को बेच दिया है और इसके नीचे आप बच्चा देख रहे हो भैया के पास। देखो 7 से 8 भैंसे अभी उपलब्ध हैं और 2 भैंसे उन्होंने बेच दिए। एक भैंसे इसको हम बताने की कोशिश करें। इस भैंस की अभी कीमत बताएंगे हम आपको। क्या मांग रहे हो भैंस की? क्या मांग रहे हो उसके? एक है भैंस अभी भैंस का यहाँ पर सौदा चल रहा है। ये भैंस आ चुकी है। देखो सिंह काफी बड़े बड़े सिंह की क्वालिटी इस भैंस की। इस भैंस की कीमत हम बताएंगे आपको। क्या मांग रहे हो इस भैंस की? क्या मांग रहे हो कीमत? हाँ और दूध कितना करेगी? छिच्चे के लिए इसके नीचे टाइम बताया, एक टाइम का दूध बताया जा रहा है और 75,000 उस भैंस की कीमत है। कौन से ब्यात में होगी भैया? कौन से ब्यात में होगी? दूसरे ब्यात में। जन चुकी कितनी रोज हुए जने हुए इसको? बच्चा क्या है इसके नीचे पाड़ी? ये पाड़ा देखने को मिला इसके नीचे बच्चा। और 75,000 रुपये इस भैंस की कीमत बताई जा रही है। भैया ग्राहक लगे थे इस भैंस के भी कितने बताए उन्होंने? 60-65। इस भैंस के अभी भी ग्राहक लगे हुए थे 60-65,000 रुपये इसकी कीमत बताई है यहाँ पर। और एक ये भैंस है जो इसका बच्चा लगा के दिखाया जा रहा है। वीडियो बनाएगा क्या कीमत है इसके? 95,000। 95,000 इस भैंस की कीमत बताई जा रही है। देखो बच्चा लगा के दिखाई जा रहा है। अरे
इस भैंस का बच्चा लगाकर देखा जा रहा है ताकि पता चले भैंस बच्चा इसी का हो, और थन भी फोड़ के देखे जाते हैं इस प्रकार से इन भैंसों का। देखो अरे मैं तो बिल्कुल भैंस नाटक नहीं कर माल घर तेरे ही मेरा बच्चा लगा के ले लियो मैं तेरे पैसे ले जा बात मैं तो यही नहीं कि तेरे को जबरन जोरी भैंस दे रही देखो इस भैंस का भी सौदा हो चुका है, तो फिर ये बच्चा नहीं लगा रही तो इस कारण इस भैंस का सौदा फिर से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सौदा फिर से चल रहा है तेरी शक्ल देखते छोड़ दे मैं कह रहा हूँ भेज छोड़ दो तू भाई कहता नहीं अच्छी